गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास नाइन्थ में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, जो हम लेसन नंबर 9 कर रहे थे तो हमने अलग अलग रोगों के बारे में सीखा। संक्रमित रोग, असंक्रमित रोग, एक्यूट रोग, क्रोनिक रोग, इन सब के बारे में हमने सीखा। ठीक है, तो ये सब रोग हो तो रहे हैं, उनको रोकने के क्या उपाय हैं, उनके लक्षण क्या हैं, ये सब भी हमने पढ़ लिया। लेकिन बाकी थोड़ा सा तो हमारा और क्या कर सकते हैं, हमारे समाज का क्या कर्तव्य है, हमारा क्या कर्तव्य है जिसकी वजह से बीमारियां और नहीं फैले। जिस तरह से कोरोना फैला हुआ है तो कितने टाइम से हम प्रयत्न कर रहे हैं, अभी वैक्सीन भी आ चुकी है, तो इस तरह से और हम क्या प्रयत्न कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा लेसन इसके बाद पे पूरा भी हो जाएगा। अभी जो बच्चों मैं पढ़ा रही हूँ, रोग हो तो गए पर रोगों का निवारण कैसे कर सकते हैं, इसकी दो विधियाँ हैं, एक सामान्य और दूसरी विशिष्ट। तो संक्रमण से बचने के लिए सामान्य विधि है रोगी से दूर रहे। जैसे देखो कोरोना वायरस, अब देखो हर बात में मैं कोरोना क्यों ला रही हूँ, क्योंकि कोरोना फैला हुआ है। तो कोरोना भी किससे फैलता है, संक्रमण से। तो उससे बचने की सामान्य विधि है रोगी से दूर रहे, इससे हम संक्रामक सूक्ष्म जीवों से बचाव कर सकते हैं। यदि हम उनके फैलने की विधियों को जानते हैं, जैसे हमें पता है कि ये रोग संक्रमण से फैलता है, तो उनकी जो भी छुई हुई चीज़ है, ग्लास है, थाली है, कपड़े हैं, उनका उपयोग नहीं करने का है, तो हम इस रोग को फैलने से रोक सकते हैं। जैसे कि वायु के द्वारा फैलने वाले सूक्ष्म जीव के बचाव के लिए हमें खुले स्थानों में रहे। अगर हमें पता है कि ये रोग वायु के द्वारा फैल रहा है तो हमें भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जगह में अगर एक जने को होगा तो हवा के द्वारा वो वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करते जाएंगे। तो इसके लिए ये हमारा, हम खुद अपनी समझदारी से भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर न जाएं। देखो इसलिए ही मोदी जी ने इतने टाइम तक लॉकडाउन लगाया था, ताकि लोगों से कम मिले, क्योंकि लोगों से ज़्यादा मिलने पर भी रोग ज़्यादा फैलते हैं। कौन से रोग? संक्रामक रोग, चाहे वो बैक्टीरिया से हो या वायरस से हो, या फिर दूसरा रीज़न होता है पानी के द्वारा। तो पानी के द्वारा फैलना, तो सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए क्या करने का, हमें साफ पानी पीना चाहिए। अगर आपके घर में आरओ नहीं है तो पानी को उबाल के ठंडा करके पियो। इसके लिए आप अपने पानी में स्थित सूक्ष्म जीवों को मारने का उपाय कर सकते हो, है ना। मतलब हमें किसी भी तरह से जो हानिकारक बैक्टीरिया है वो हमारे शरीर में नहीं जाने चाहिए। उसके अलावा रोगवाहक सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए हमें साफ पर्यावरण में रहना चाहिए। कैसा भी पर्यावरण हो, साफ होना चाहिए, क्योंकि इसलिए आपके घर में देखो आसपास में सफाई के लिए भी झाड़ू वाली आती है और कचरा उठाने के लिए गाड़ी वाला आता है ना। तो अगर गंदगी होगी तो ऐसे वातावरण में मच्छर उत्पन्न होते हैं, पर अगर सफाई होगी तो मच्छर उत्पन्न नहीं होंगे। अगर मच्छर उत्पन्न नहीं होंगे, पानी शुद्ध पियोगे और हवा शुद्ध होगी, तो फिर आप संक्रमित रोगी से बचे रहोगे, आपको संक्रमण नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम रोगों को फैलने से रोक सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कई बार क्या होता है कि हमारे शरीर में स्थित प्रतिरक्षा तंत्र जो रोगाणुओं से लड़ता है, यानी इम्यूनिटी सिस्टम, हमारे शरीर में क्या होता है, हर एक, अभी आपको कहते हैं ना, आपको कोरोना रोग नहीं हो तो काढ़ा पीने का, गर्म चीज़ें खाने की, हेल्दी खाना खाने का। तो ऐसा करने से हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र बनता है, और वो प्रतिरक्षा तंत्र मतलब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, हम किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं, रोगाणु से लड़ सकते हैं। आखिर ये करता क्या है, तो हमारे शरीर में विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जो रोगाणुओं को मार देती हैं। अगर हमारा शरीर में क्या कहते हैं ना, प्रतिरक्षा तंत्र स्ट्रांग है, तो अगर कोई रोग होगा तो अंदर ही विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जो रोगाणुओं को हमारे शरीर में आने नहीं देती। जो हानिकारक वायरस है या बैक्टीरिया है उसको हमारे शरीर में आने नहीं देती। तो हमारे शरीर में जैसे ही कोई संक्रामक रोगाणु आता है, मान लो कोरोना आ गया, लेकिन आपके शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, मतलब
प्रतिरक्षा तंत्र अच्छा है। आपके शरीर में फिर क्या होगा, विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, फिर ये कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और वो क्या करती हैं, उन वायरस को मार देती है। इसकी वजह से हमें कोई रोग नहीं होता। तो इसलिए कहते हैं ना, अगर कोई रोग आए उसके पहले ही रोग से विरुद्ध लड़ने की ताकत आपके शरीर में होनी चाहिए। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जितना हो सके बच्चों बाहर का खाना मत खाओ, कभी कभार खाओ ठीक है, लेकिन जितना हो सके घर का दाल चावल सब्जी रोटी वो सब चीज़ें खाओ, सलाद खाओ, फ्रूट्स खाओ, और जितना हो सके इन दिनों ठंडी है तो गर्म पानी पियो। तो यदि हमें रोगाणुओं की संख्याओं को नियंत्रित करना है तो रोग कम होगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है प्रतिरक्षा तंत्र। और आपने देखा होगा काढ़ा लोग लेते हैं, या तो प्रतिरक्षा तंत्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसी गोलियां आती हैं, जो गोलियां लेने से हमारे शरीर में विशिष्ट कोशिकाएं पैदा हो जाती हैं जो रोग के विरुद्ध लड़ने में सहायक होती हैं। तो कई बार क्या होता है कि हर बार ये प्रतिरक्षा तंत्र सफल नहीं होता, कई बार रोग अगर ज़्यादा संक्रामक हो तो ऐसी सिचुएशन में हमारा प्रतिरक्षा तंत्र भी सफल नहीं होता। इसके लिए क्या रीज़न हो सकता है, क्योंकि कई ऐसे लोग गरीब होते हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन और पोषण नहीं मिलता है ना। इसके लिए संक्रामक रोगों से बचने के लिए है कि सबको भोजन की उपलब्धता होनी चाहिए। कई ऐसे लोग गरीब हैं जिनको दो वक्त का तीन वक्त का भी खाना नहीं मिल पाता। इसलिए आपने कई बार देखा है कि आंगनवाड़ी में या प्राइमरी में आपको दोपहर का भोजन मुफ्त में दिया जाता था। उसका एक ही कारण है, ताकि आपको भरपेट भोजन मिले, आपको पोषण मिले, ताकि आप किसी रोग से बच्चों पीड़ित न रहो, है ना। इसलिए कई लोग, तुमने देखा होगा कई संस्थाएं भूख मिटाओ अभियान भी करती हैं, कई गरीब लोगों को सप्ताह में एक बार खिलाती हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि किसी को कपड़े दे रहे हो ये कर रहे हो, इससे अच्छा खाना के रूप में उनको मूंगफली दो, गुड़ दो, चने दो, जो जो हेल्दी चीज़ें हैं ऐसी चीज़ें दो, है ना, ठीक है। तो इसके बाद आपका किताब में एक क्रियाकलाप है, तो वो क्रियाकलाप में क्या है कि एक ऐसा मोहल्ला है उसका सर्वेक्षण करो, सर्वे करो कि 10 परिवारों से बातें करो, उनके रहन सहन के बारे में पूछो, और 10 ऐसे परिवार लो जो बहुत गरीब है। इन दोनों परिवार में बच्चे होने चाहिए जिनकी आयु 5 वर्ष से कम हो। तो जिनकी आयु 5 वर्ष से कम हो और उनकी बच्चों की ऊंचाई करो, उनका ग्राफ करो, तो तुमको पता चलेगा। देखो पालन पोषण में भी बहुत फ़र्क रहता है, अगर उनको पालन पोषण अच्छी तरह से मिला तो वो बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे, यानी खाना पीना रहन सहन अच्छा होगा। लेकिन जिनका रहन सहन खाना पीना अच्छा नहीं होगा तो उनके बच्चे ऐसे बार बार बीमार रहेंगे, है ना। तो कई लोग अभी भी, भले कोरोना वायरस का टीका निकला है, पर कई लोग ये लेने से घबराएंगे, उनको ऐसा लगेगा कि ये हमारे शरीर में जाकर क्या असर करेगा, क्योंकि अभी तक इसका परीक्षण अच्छी तरह से नहीं हुआ है। क्योंकि ऐसे तो किया गया है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, लोगों को अभी भी ये भय बना होता है। तो कई लोग ऐसे भी हैं जो पोलियो का भी टीका ऐसे नहीं लगवाते, लेकिन अभी उसको तो काफ़ी समय हो गया। तो ये जो टीके की खोज की गई, तो अभी देखो इन दिनों सारे विश्व में चेचक नहीं है, चेचक का रोग नहीं है, लेकिन ये जो 100 साल पहले चेचक की महामारी हुई थी, जैसे अभी कैसी पेंडामिक कहते हैं ना, इसका इंग्लिश वर्ड है पेंडामिक, तो उसको कहते हैं महामारी। तो ये चेचक भी जैसे कोरोना फैला है ना बच्चों, तो वैसे चेचक फैला हुआ था, लोगों को चेचक होता था, कोई इलाज नहीं होता था, तो लोग क्या करते थे, मर जाते थे। तो ऐसी स्थिति में लोग रोगी के पास जाने से भी डरते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर उसको चेचक है तो उन्हें भी नहीं चेचक हो जाए। लेकिन एक ऐसा भी वर्ग था जो चेचक से नहीं डरता था, वह चेचक के रोगी की सेवा करता था, जो आज भी दिख रहा है तुमको। कई लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर्स लोग हैं, पुलिसकर्मी है, नर्सेज हैं, वो देखो कोरोना से नहीं डर रहे हैं ना, वो कोरोना के रोगी की पेशेंट की देखभाल कर रहे हैं। तो एक वर्ग ऐसा था जो चेचक के रोगी की सेवा करता था, और यह वर्ग था जिन्हें भयावह चेचक हुआ था लेकिन फिर भी जीवित रहे। क्यों जीवित रहे, क्यों, उनके शरीर पर चेचक के बहुत दाग थे। अर्थात यदि एक बार यदि आपको चेचक हो जाए तो
तो फिर से चेचक नहीं होगा। इसलिए एक बार रोग होने पर उस रोग से बचने का एक विधि है ना। तो कई बार क्या होता है, तुम्हें पता है कोरोना के बारे में, हमारे कोरोना, अगर जिस व्यक्ति को कोरोना हो जाता है तो उसकी बॉडी में कोरोना से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है, फिर उसका जो ब्लड है वो ब्लड किसी और को, प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं उसको, फिर किसी और को चढ़ाने में काम आता है और उसको जो कोरोना से लड़ रहा होता है फिर वो बच जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र पहली बार आक्रमण करते हैं तो प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यूनिटी सिस्टम रोगाणु के प्रतिक्रिया करता है, फिर उसका याद कर लेता है। देखो जैसे कोई भी चीज़ होती है, मैंने प्रश्न समझाया तो पहले आपको प्रश्न समझ में नहीं आया तो आपने उसका उत्तर नहीं दिया, लेकिन अगर मैंने वही प्रश्न फिर से पूछा तो आपको याद पड़ जाता है, आप तुरंत उसको याद कर लेते हो। तो उसी ही तरह से जिसको एक बार चेचक हो गया उसको फिर से चेचक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसके शरीर में क्या याद कर लिया, भाई ये रोग आएगा और उसको मुझे इस तरह से प्रतिक्रिया करनी है, इस तरह से लड़ना है, फिर उसका विशिष्ट रूप से स्मरण कर लेता है और वह रोगाणु, उससे मिलता जुलता रोगाणु संपर्क में आता है तो उसको नष्ट करने का आ जाता है। जैसे तुम एक बार उनको याद पड़ जाता है ये आएगा तो मुझे उस तरह से उसको नष्ट करना है, तो इससे पहले संक्रमण की अपेक्षा दूसरा संक्रमण शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। तो ये किसका नियम है, प्रतिरक्षाकरण का, इम्यूनिटी सिस्टम का नियम है। तो इसलिए टीकाकरण क्या है, तो टीकाकरण का सामान्य नियम यह है कि शरीर में क्या हो जाता है, विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बना सकते हैं। मतलब पहले क्या करते हैं कि आ जाओ भाई, एक हमने क्या कर दिया, एक विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराते हैं और प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बना लेते हैं, फिर वह उन रोगाणुओं की क्या करता है, प्रतिरक्षा तंत्र नकल करता है और टीके के द्वारा क्या करता है, हमारे शरीर में प्रवेश करता है और यह वास्तव में रोग नहीं करते लेकिन रोग करने वाले रोगाणुओं को रोकते हैं। यह काम है टीके का, है ना। तो इसलिए बच्चों आप टीका अवश्य लगाना, है ना, जब आपकी बारी आए। अभी तो आप लोगों की बारी आने में देर है, लेकिन जब भी आए तो ऐसे टीका ज़रूर लगाना। तो ऐसे बहुत से टीके आजकल उपलब्ध हैं जो संक्रामक रोगों का निवारण करते हैं, जैसे टिटेनस का, डिफ्थेरिया का, खांसी का, चेचक का, पोलियो का, और इसमें नहीं लिखा है हेपेटाइटिस का यानी जॉन्डिस का, है ना। ठीक, अभी कुछ साल के बाद कोरोना पे भी देखना एक लेसन निकलेगा, है ना, फिर कोरोना के टीके के बारे में भी ज़्यादा बताया जाएगा। तो ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं और गवर्नमेंट अस्पताल में जो भी होते हैं ना वो फ्री किया जाता है, ताकि जो लोग गरीब हैं वो भी इसका लाभ उठा पाए। तो बच्चों अभी आपको आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।